सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फारेनहाइट 451 मूवी के ट्रेलर के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये HBO की एक टेलीविजन मूवी है जिसे टीवी पर दिखाया जाएगा मई के महीने में, लेकिन अब तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है। और इस फिल्म की कास्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है। इस फिल्म में हमें माइकल बी जॉर्डन, माइकल शेनॉन और सोफिया बोटेला नजर आने वाली है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रेमिन बरानी ने, जिन्होंने इसके पहले ऐसे ही फिल्में बनाई है। और ऐसा नहीं है कि ये फिल्म पहली बार बनाई गई है, ये फिल्म रीमेक है 1966 की आई हुई फारेनहाइट 451 मूवी की। वो फिल्म भी एक बहुत अच्छी फिल्म थी। और इन सभी फिल्म को अडॉप्ट किया गया है रे ब्रैडबेरी की फेमस नॉवेल से, जिसे पब्लिश किया गया था 1953 में। और उन्होंने उस टाइम पर पीरियड दिखाया था 1960 का, यानी अब जो फिल्म बनी है ये फिल्म हमें फ्यूचर पे दिखाई जाएगी। तो चलिए अब इस फिल्म के ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, मुझे कॉपीराइट क्लेम काफी ज्यादा आते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में इस फिल्म की ज्यादा इमेजेस तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको ये समझा दूंगा कि इस ट्रेलर और इस फिल्म में चल क्या रहा है। तो हमारा ट्रेलर स्टार्ट होता है फ्यूचर से, जहां पर फ्यूचर में कोई भी बुक नहीं है और यहां पर फायर ब्रिगेड्स वाले काम करते हैं बुक जलाने का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वो लोग यहां पर काम सिर्फ और सिर्फ बुक जलाने का ही करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पास्ट में फायर ब्रिगेड्स क्या काम करती थी। और अगले सीन में माइकल बी जॉर्डन बच्चों को ये समझा रहे होते हैं कि बुक एक बहुत ही बेकार चीज है और इसे पढ़ने से लोगों का टाइम वेस्ट होता है और काफी लोगों का दिमाग गलत जगह भटक जाता है, इसलिए इस चीज को पूरी दुनिया से खत्म करना है। और फिर वो कहते हैं कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक शायद हम पूरी बुक जला चुके होंगे। तो इस पीरियड में बुक रखना एक इनलीगल बात है, तो एक अच्छी बात है कि इस टाइम पर एग्जाम्स भी नहीं होते होंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो माइकल बी जॉर्डन अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं, लेकिन इस बीच जब वो लोग एक घर में बुक जलाने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर एक औरत अपने आप को जला लेती है और उसी के साथ वो अपने पूरे घर को भी जलाती है, जिसमें उसकी सारी बुक्स जल जाती है। लेकिन इस बीच माइकल बी जॉर्डन एक बुक को बचा लेते हैं। बस तो यहीं से शुरू हो जाता है पंगा और उनके खिलाफ पूरा सिस्टम हो जाता है, जिस सिस्टम के लीडर है माइकल शेनॉन। और वो ये सब काम ऐसे करते हैं क्योंकि वो सभी चीजें भूल जाते हैं जब भी वो उस आई ड्रॉप को अपनी आंखों में डालते हैं। लेकिन एक दिन उनकी वाइफ की डेथ होने के कारण वो काफी ज्यादा बदल जाते हैं और जाकर बुक लवर्स से मिलते हैं ताकि वो सभी बुक को रिकवर कर पाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इस ट्रेलर में हमें लिली सेन भी नजर आती है। तो माइकल शेनॉन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस बात की सारी डिटेल्स आपको इस फिल्म में ही देखने मिलेगी, क्योंकि मैं ज्यादा चीज स्पॉइल नहीं कर सकता वरना आपका फिल्म देखने का मजा खराब हो जाएगा। लेकिन इस चीज से आपको ये समझ आ जाएगा कि फिल्म का प्लॉट क्या है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।